हरे कृष्णा, आप देख रहे हैं ट्रू मीडिया का ज्योतिष विज्ञान। अगर आपके बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता, परीक्षा में अच्छे अंक नहीं आते हैं, पढ़ाई से ध्यान भटकता है, या फिर दिन रात पढ़ाई करने के बाद भी परीक्षा परिणाम अच्छे नहीं आते, तो समझ जाइए कि बच्चों की एकाग्रता में कमी है। ज्योतिष शास्त्र में बताए गए कुछ आसान उपायों को अपना कर भी देखें। ऐसा करने पर बच्चों का मन पढ़ाई में पहले से अधिक लगेगा और उसके अंक भी अच्छे आएंगे। आज हम आपको कुछ ऐसे ही आसान उपाय बता रहे हैं जिन्हें अपनाकर बच्चे पढ़ाई में एकाग्रता को बढ़ा सकते हैं। इस चौपाई का करें जाप, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई, रामचरित मानस में लिखी। इस चौपाई को प्रतिदिन 11 बार मंत्र की तरह जपने से विद्या ग्रहण करना सहज हो जाएगा और अध्ययन में मन भी लगेगा। वास्तु शास्त्र के अनुसार बच्चों की स्टडी टेबल पर पृथ्वी का मानचित्र या ग्लोबल जरूर रखा होना चाहिए। पढ़ाई करते वक्त ध्यान भटकने पर यदि बच्चा ग्लोबल को एक मिनट के लिए ध्यान से देखता है तो उसमें एकाग्रता बढ़ती है और वह मन से पढ़ाई करने लगता है। मोरपंख भगवान श्री कृष्ण का अति प्रिय है। शास्त्रों के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ तब उनके अंदर 16 कलाएँ थीं, मगर जब वह गुरु सांदीपनि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने पहुँचे तो उन्होंने बाकी की कलाएँ भी सीखीं और वो 64 कलाओं में निपुण हो गए। मोरपंख श्री कृष्ण के साथ साथ देवी सरस्वती को भी अति प्रिय है। अगर बच्चों की पढ़ाई में मन नहीं लगता तो स्टडी रूम की दीवार पर एक मोरपंख जरूर लगाएं। ऐसा करने पर बच्चे की पढ़ाई की ओर रुझान बढ़ेगा। माँ सरस्वती को ज्ञान की देवी कहा गया है। बच्चों को देवी सरस्वती की रोज़ पूजा करनी चाहिए, साथ ही ओम सरस्वतीश्वरी भगवती माँ क्रमांक क्रीम मम ज्ञान देही फट स्वाहा मंत्र का 21 बार जाप करना चाहिए। इतना ही नहीं, हर शुक्रवार को गाय को घास और गुड़ खिलाने से भी पढ़ाई में एकाग्रता को बढ़ाया जा सकता है। आप देख रहे हैं ट्रू मीडिया का ज्योतिष विज्ञान। और अधिक जानकारी अगर आप चाहते हैं तो हमें इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। हरे कृष्णा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।